भारत में अभी भी टीकाकरण को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, जैसे खाली पेट कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। आइए जानते हैं इसका जवाब, क्या खाली पेट टीका लेना ठीक है, खाली पेट कोरोना की वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं। इसको लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जिसमें खाली पेट वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को कमजोरी, सिर दर्द और एसिडिटी की समस्या हुई है। इसलिए बेहतर है कि आप खाली पेट वैक्सीन न लगवाएं, बल्कि कुछ न कुछ खाकर ही टीकाकरण केंद्र जाएं। टीका लेने से पहले क्या खाएं? अगर आप कोरोना वैक्सीन लगवाने जाने वाले हैं तो ये जरूरी है कि पहले आप शरीर को उसके लिए तैयार करें। इसके लिए स्वस्थ आहार लें, घर में बनी चीजें ही खाएं जिसमें हल्दी, अदरक और लहसुन का उपयोग किया गया हो। इसके अलावा हरी सब्जियां खूब खाएं और खूब पानी पिएं। आप फलों का भी सेवन कर सकते हैं, इससे इम्यूनिटी को मजबूती मिलेगी। टीका लेने के तुरंत बाद क्या करें? वैक्सीन लगवाने के बाद 30 मिनट तक टीकाकरण केंद्र पर ही रहने की सलाह दी जा सकती है, ताकि ये देखा जा सके कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। अगर आपको कुछ भी अजीब महसूस हो तो टीकाकरण केंद्र पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों को इसकी सूचना दें। विशेषज्ञ कहते हैं कि टीका लेने के बाद बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द जैसी समस्या हो सकती है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये समस्याएं एक दो दिन में खत्म हो जाती हैं। अगर बुखार है तो डॉक्टर की सलाह पर आप दवाई ले सकते हैं। टीका लेने के बाद बिल्कुल न करें ये काम। विशेषज्ञ कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद आपको कुछ दिनों तक कुछ चीजों से दूरी बनाकर रखनी होगी, जैसे धूम्रपान, शराब का सेवन, कोल्ड ड्रिंक्स, तली भुनी चीजें और अधिक मीठा भोजन करने से परहेज करें। टीका लेने के बाद क्या खाएं? कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी ये जरूरी है कि आप अपने खान पान को सही रखें, स्वस्थ आहार लें, तनी भुनी चीजें न खाएं, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, तरबूज, खीरा, ककड़ी जैसे पानी से भरपूर चीजों का सेवन करें। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।